जब ये सब बात पता चलती है तो वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे आज के बाद। और ये सब सुन के उसका मालिक भी डर जाता है और वो कहता है, तो नमस्कार दोस्तों, रशाब वर्ल्ड के एक और हॉरर स्टोरी ऐप में आप लोगों का स्वागत है। आज का स्टोरी होने वाला है एक ऐसे सोसाइटी के बारे में जो एकदम डरावनी सोसाइटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को डर लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर मत देखिएगा, लेकिन अगर नहीं लगता तो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है कुछ एक ऐसे शहर की जिसके अंदर एक सोसाइटी था, जिस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते थे। एक समय की बात थी जब उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग खुशहाल रूप में हंसते खेलते रहते थे। अचानक क्या होता है कि उस स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आने लगता है। जी हाँ, जैसे मैं आप लोगों को कहानी में ट्विस्ट दे रहा हूँ, वैसे ही इस कहानी में भी ट्विस्ट है। जी हाँ, करीबन कुछ 50 साल या 10-20 साल पहले एक सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी थी जिसका नाम मुझे नहीं पता। उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते थे एकदम हंसते खेलते। होता ये है कि उस सोसाइटी में अचानक कुछ अजीबोगरीब घटनाओं की बातें लोगों तक पहुंचती हैं। जी हाँ, एक ऐसी ऐसी घटनाएं जो चीज़ रियलिस्टिक नहीं है, मगर कुछ ना कुछ अजूबा, जो कहूँ अजूबा, डरावनी चीज़ें वहाँ घटित होती रहती थी हर एक दिन। तो ये सब देखते देखते वहाँ के जितने भी लोग हैं डर के मारे वहाँ से खाली होकर चले जाते हैं कहीं और। बहुत कोशिशों के बाद भी वो सोसाइटी खंडर रहती है और खाली रहती है। तो उस ज़मीन का जो मालिक होता है, उस सोसाइटी का पूरा ओनर जो होता है ज़मीनों का, वो चाहता है कि इसकी जगह मैं एक मल्टीप्लेक्स खड़ा करूं, और लोगों को भेजता है उसके अंदर पता करने के लिए कि ऐसे क्या राज है कि सब लोग जा रहे हैं। तो कुछ लोग तैयार होते हैं उसके अंदर जाने के लिए, और जब दो लोग तैयार होकर अंदर गए उस सुबह, उनको क्या दिखता है, पूरा का पूरा गेट टूट चुका है और हर एक घर के अंदर अजीबोगरीब चीज़ें बनी हुई हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। और ऐसा देख के वो लोग डर के मारे भागते हैं और उस ज़मींदार को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। जब ये सब बात पता चलती है तो वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे आज के बाद। और ये सब सुन के उसका मालिक भी डर जाता है और वो कहता है कि क्या बात है, मैं क्या करूँ ऐसा। तब एक वहाँ पुजारी आता है और उन्हें बताता है कि इस सोसाइटी पे किसी ने कुछ करा रखा है, इसीलिए आप लोगों को इस पे हवन करने की ज़रूरत है। ये बात सुनते ही वो मालिक तैयार हो जाता है और उस सोसाइटी पे हवन करवाता है उसी ज़मीन पे। और उस दिन, उस शाम को जब वो हवन स्टार्ट हुआ, उस हवन में इतनी बेकार बेकार चीज़ें हुई, यानी कि मैं कहूँ पूजा के बीच में कभी कुछ मुझ जाना, कभी कुछ हॉन्टेड हो जाना, कभी कोई गायब हो जाना, ऐसी सी चीज़ें हुई। मगर अंत में वो हवन पूरा हुआ और लास्ट में होता क्या है कि वो पूरी जो सोसाइटी थी खाली थी, अचानक उसके अंदर जो लाइट्स थी वो फूट जाती हैं और एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि उन लोगों को डर इतना लगता है कि वो ज़मीन को क्या देखें क्या यार, इतना सुन सुन के डर लग रहा है मेरे को, खुद बता बता के आप लोगों को क्या लग रहा होगा। होता ये है, एक ऐसी आवाज़ आती है जिसमें वो आवाज़ आती है, निकलती है, मैं नहीं जाऊँगी। ये सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और ये चीज़ें आगे बढ़ती ही हैं कि टाइम आउट हो जाता है। जी हाँ, इस स्टोरी का अगला पार्ट मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगा। अगर एक ही वीडियो में सब बता दूँगा तो मज़ा नहीं आएगा ना मेरे दोस्त। कल तक का इंतज़ार करो, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कहानी देता हूँ। मगर ये पार्ट 1 एपिसोड नंबर 11 का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में एपिसोड नंबर 12 देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ये कहानी थोड़ा सा अजूबा है, सुनते रहिए, मज़ा बहुत आएगा। जय हिंद, जय भारत।